इस वक्त हम लोग खलियान में हैं और मेरे साथ हैं कुंदन कुमार। हाँ। और आपको दिखाते हैं कि गांव में गेहूं को कैसे तो उसके पौधे से कैसे गेहूं को निकाला जाता है। सो यहां पे सबसे पहली बात हो गई कि गेहूं को पहले बोया जाता है, सींचा जाता है, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है उसमें फसल उगते हैं, उसके बाद जब पक जाता है तो उसे कटिंग किया जाता है और कटिंग के बाद उसे खलिहान लाया जाता है और खलिहान में लाने के बाद जो होता है उसे कहते हैं थ्रेसिंग। तो अभी यहाँ पे पीछे हमारे यहाँ थ्रेसिंग हो रहा है, हम लोग अभी खलिहान में खड़े हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि गांव के खलिहान में किस तरह से गेहूं का थ्रेसिंग होता है। सो वीडियो में बने रहें। मिलाते हैं।